सीधा ले चलते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं तो सुनवाते हैं। जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योत जरत दिन राती, ये संदेश अपने आप में समरसता का अद्भुत संदेश था। उन्होंने अपनी भक्ति से, अपने सेवा के भाव से, अपने कृतित्व से एक ऐसा इतिहास रचा कि कई राजा रानी उनके शिष्य थे। वो सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे और इसलिए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संत रविदास जी का एक भव्य स्मारक मंदिर सागर में बनाने जा रही है। संत रविदास जी की जयंती के कार्यक्रम पर मैंने ये घोषणा की थी और अब वो घोषणा साकार हो रही है। 5 यात्राएं प्रदेश के अलग अलग 5 कोनों से आज प्रारंभ होंगी। गांव की मिट्टी, हर एक ब्लॉक से नदियों का जल एकत्रित करती हुई, सामाजिक समरसता का संदेश देती हुई ये यात्राएं सागर में समाप्त होंगी। 12 अगस्त को संत रविदास जी महाराज के मंदिर का भूमि पूजन होगा, स्मारक बनेगा और मुझे कहती हुई अत्यंत प्रसन्नता है और आनंद है कि भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधार रहे हैं और यात्राएं आज से प्रारंभ होगी। एक यात्रा सिंगरौली से मैं भी प्रारंभ करूंगा। लाडली बहना को लेकर आज लाडली बहना का भी, क्योंकि 2 क्राइटेरिया में हमने परिवर्तन किया। 21 से लेकर 23 साल तक की बेटियां छूट गई थी, हमने तय किया कि 21 से 23 साल तक की जो हमारी विवाहित बेटियां हैं वो भी लाडली बहना योजना में सम्मिलित होंगी। और एक 4-व्हीलर क्राइटेरिया था तो उसमें ट्रैक्टर भी आ गया था, लेकिन कई छोटे किसानों के पास भी ट्रैक्टर है जो अपने खेत के साथ साथ किराए पर भी खेती बाड़ी में ट्रैक्टर चला के अपनी आजीविका चलाते हैं। और इसलिए 5 एकड़ तक के जो किसान हैं उनके पास ट्रैक्टर भी हो, तो ऐसी बहनें जो छूट गई थी वो अब लाडली बहना योजना में सम्मिलित होंगी। आज से फिर रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ किया जा रहा है। धन्यवाद। और चलिए बढ़ते आगे। नारायणपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिला अस्पताल के लेबर वार्ड में आग।